सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल पंकज की टेक। सो गाइस, आज की इस नया वीडियो में से बात करने वाला हूँ आप पिक्सल लैब के थ्रू जो है अपने फोटो के नीचे जो है धुंधला सा कैसे कर सकते हो। तो गाइस, आप पिक्सल लैब का यूज करते हैं और आपको ये नहीं पता है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जो फोटो के नीचे जो है धुंधला कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम फ्री फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकंड चैनल है पंकज चौधरी ब्लॉग्स के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ कैसे आपको फोटो को नीचे जो है धुंधला करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइस, सब कुछ बताने के लिए आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइस, आप लोगों को बता दूँ, फोटो को धुंधला करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। जैसे ही आप अपने फ़ोन में पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं तो उसके बाद उसको जो है यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ से इसका मैं लॉक जो है ओपन कर देता हूँ। तो लॉक ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ से ये मेरा ओपन हो रहा है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। पीछे वाला था ये, इसको डिलीट। और इसका जो है आप जैसा भी साइज रखना चाहते हैं वैसा आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके और यहाँ पे इमेज साइज पे जाना है और जो भी साइज आपको रखना है रख लीजिए। तो मैं यूट्यूब थंबनेल रख लेता हूँ। और यूट्यूब थंबनेल रखने के बाद गाइस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कलर जो है इसका वाइट कर देना है यहाँ से। तो चलिए, यहाँ से मैं कलर जो है यहाँ से वाइट चूज कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइट चूज हो चुका है मेरा अभी कलर। और यहाँ से मुझे जो भी फोटो का जो है नीचे से धुंधला करना है तो उसके लिए मुझे फोटो का यहाँ पे ऐड करना हो तो प्लस वाले आइकन पे चलते हैं, गैलरी में चलते हैं और यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से जाता हूँ अपने फ़ोटो में, यहाँ पे मेरा फ़ोटो है उसमें मैं जाता हूँ पिक्सार्ट एंड मेरा फ़ोटो ये रहा। तो इस फ़ोटो को जो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और ओके। यहाँ पे आने के बाद इसका साइज जैसा भी आप लोगों को रखना है रख लीजिए। इसके बाद इसको धुंधला करना है। धुंधला करने के लिए गाइस, आप लोगों को सिंपल से जो है ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पे जितना साइज आपका फ़ोटो रहेगा उतना जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है डाल देना है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे। और इसको क्या करना है, इधर आना है आप लोगों को और आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से शेडो का, शेडो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से वाइट वाले सेलेक्ट कर लेना है। वाइट सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस, आप लोगों को ब्लर रेडियस से थोड़ा इसका बढ़ा देना है यहाँ से जितना भी आपको चाहिए। और आउटर ग्लो जो है इसका ओपन कर देना है और इसका जो है ऑफसेट कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ से आप लोगों को इसको जो है डाउन जो है कम कर देना है। कम करने के बाद गाइस, आप लोगों को क्या करना है, इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद गाइस, आप लोगों को और भी इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। आप लोगों को इसका माइनस में ही रखना है और इसको यहाँ से नीचे डाल देना है। डालने के बाद गाइस, इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं फोटो के नीचे जो है धुंधला हो चुका है। तो इसके बाद आप लोगों को इसको सेव कर लेना है और आप लोगों को जो भी करना है अपने फ़ोटो में वो कर सकते हो, इसके बाद ही आप सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज करना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे अल्ट्रा करना है, फिर सेव टू गैलरी। ये आपका फ़ोटो जो है सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में, वो भी HD क्वालिटी में, और आपका फ़ोटो को जो है नीचे धुंधला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो आई होप गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आई होप गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।